कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में आग लग गई। आग ट्रेन की बोगी नंबर 17 में सकर के करीब लगी। मुसाफिरों ने बोगी से छलांगे लगाकर जाने बचाई। शहरी आबादी से दूर होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। कई घंटों बाद मुतासरा बोगी को हटाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में लकड़ी के गोदाम में आतिशबाजी की फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों और इमदादी रजाकारों ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रिहायशी इलाके में कायम गोदाम के 500 कंपाउंड्स को आग ने अपनी लपेट में लिए रखा। जानी नुकसान से बचने के लिए गोदाम से मुलहका रिहायशी इमारत को बरवक़्त खाली करा लिया गया। धुआं ज्यादा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म। हुकूमत का इंतखाबी फंड जारी करने से फिर साफ इनकार। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे केस सुनेगा। चीफ जस्टिस के दीगर केसेस का रोस्टर डीलिस्ट कर दिया गया। शंघाई तआवुन तंजीम के वज़रा दिफा का अजलास आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगा। पाकिस्तानी वफ्द वर्चुअल शिरकत करेगा। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़रा दिफा ख्वाजा आसिफ वीडियो लिंक से करेंगे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई दोनों कप्तानों की शिरकत। पिंडी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे दोनों टीम आमने सामने होंगी।